एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक सदर रणजीत सिंह मगेड़ा पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा विराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा सिंह सभा सेखेवाल नजदीक शिवपुरी चौंक लुधियाणा विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंह वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईआं होईआं समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदार रणजीत सिंह मगेड़ा जी का जन्म पिता सरदार रतन सिंह जी दे घर माता राज कौर हुणां दी कुखों पिंड ठठी पाई विखे होया। आप जी चार भैन भरावां विचों दूसरे नंबर ते सन। आप जी बचपन तो ही बहुत ही मेहनती अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन ते बचपन तो ही आप जी खेतीबाड़ी दे काम विच रुझ गए। आप जी दा विआह सरदारनी भगवान कौर हुणां नाल होया। आप जी दे घर चार बेटियां अते चार बेटियां ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब पढ़ाया लिखाया, चंगे संस्कार दिते अते समें दा हाणी बनाया। मौजूदा समें विच आप जी दे चारे बेटे लुधियाणा विखे सैटल हन अते उगे बिजनेसमैन हन। सरदार रणजीत सिंह जी इन्ने सिरड़ी सन कि चाहे आप जी दे चारे बेटे लुधियाणे विखे सैटल हो गए, पर फिर भी आप जी ने हत्थी किरत करनी नहीं छड्डी ते पिंड विच रह के ही खेतीबाड़ी करदे रहे। फिर आप जी दे पुत्रा ने बार बार रिक्वेस्ट कीती कि आप जी लुधियाणा विखे आके रहन लगे। सरदार रणजीत सिंह जी मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। आप जी धर्म प्रति सच्चे निष्ठावान सन। रोजाना गुरु घर जाना, नितनेम करना आप जी दी दिनचर्या सी। सरदार रणजीत सिंह हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तों इलावा कई उत्सुक शेता ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख सांझा कीता। कादर दी कुदरत दे अटल जो मर्यादा है, उदा जो निजम है कि जेड़ा उपजे है वो एक दिन जरूर बिनसेगा। ते सतगुरु ने बाणी विच भी ये वचन कीता, उपजे निपजे निपज समाई, नैनो देखत ए जग जाई। इस संसार विच जो कुछ भी उपजे है एक दिन ऐसा आएगा बिनसेगा। पर सतगुरु ने यह वचन कीता कि संसार दे विच जन्म उपजना ते आके चले जाना ही जीवन का नाम सी। इहदा कोई मंतव सी, कहण लगे इहदा भी कोई मनोरथ सी कि इस संसार दे विच आया है, आया परिवार बताया, संसार दे सुख आनंद माणे ते आके चला गया। सतगुरु ने कहा नहीं, इहदा भी एक कारण सी, पर कई बारी इस कारण इस वचन हुकम नूं ना मनदा होया संसार तो जिवें आया तिवें चला गया। सतगुरु ने वचन कीता, कहण लगे इहदा एक मंतव सी। आपां थोड़े मिंटां विच ही केवल बाणी विचों शब्द विचों इस नूं समझणा है कि जीवन ते मौत दा फलसफा सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी साडे जीवन ते अंदर कैसी रोशनी बख्श रही। हजूर ने यह वचन कीता, कहण लगे पहली बात ते यह है कि जन्म अजे नहीं होया, अजे जन्म नहीं, पर मौत उस तो पहला तू कबूल कीती। अजे तो मां के गर्भ विच भी नहीं आया, जिस समय मौत कबूल कीती है कि तेरा जन्म नहीं पर मौत वाली तरीक पहला मुकर्र हो गई, ते हजूर ने यह वचन कीता, कहण लगे तू जीवन की जान की आस अजे ना कर, पहला जिस हुक्म विच जाना है उस हुक्म दे विच उहदी रज़ा विच जदों सदा आएगा उस सदे विच वापस आना। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक तिर नहीं कोई। जो जो कुछ सो बिनस है
तेरे बस अब तो तेरे बस सब तो तेरे बस सब तो तेरे बस करना सर्वदाई
इस मौके ते समूह संगतां वल्लों परमात्मा जी दे चरणां विच अरदास बेनती करन उपरंत पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा साहिब सरवण कीता गया। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी गुरपुरै कृपा धारी प्रभ पूरी लोच
हमारी। कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए। संत हो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर जाइय आनंद न सुकृत करिय। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। कोट जन्म के किल वितना से हर चरणी चित लाए। उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी। जी जंत सब भये पवित्रा सतगुर की सच साखी। बिघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दरड़ाया। होए पाप भये सब पावना जन नानक सुख घर आया। बिघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दरड़ाया। होए पाप भये सब पावना जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो इस परिवार के नाल राजसी धार्मिक समाजिक जथेबंदियों के आगू वो भी शमूलियत कर रहे हैं और सभावां वालों शोक मते दस्तारा भी आईया हैं। सो मैं जिथे ब्रह्म ज्ञानी बाबा नामदेव सभा वालों शोक मता दस्तार है उत्थे बाबा नामदेव सेवक सुसाइटी बाबा नामदेव भवन विजयनगर संतोख नगर वालों भी शोक मत है और शोक मता पंजाबी लिखारी सभा मंडी गोबिंदगढ़ तो उन्हां वालों भी और बेटगंज होजरी एसोसीएशन वालों भी शोक मता आया है। गुरुद्वारा माता भागवंती सिंह सभा वालों भी सरदार नगर शोक मता और दस्तार आई है। पहला बेनती करांगा गुरुद्वारा साहब के जनरल सकत्तर सरदार गुरदीप सिंह जी वो आके गुरुद्वारा सिंह सभा सिखेवाल वालों दस्तार उन्होंने सपुत्र सरदार जरनैल सिंह तिन्हों देंगे और सरदार दया सिंह जी भी किशन कुमार बलवंत राय ये भी दस्तार लियाए हैं और माता भागवंती गुरुद्वारे वालों भी जो दस्तारा हैं वो लिया के आप जी देने की कृपालता करनी है। वालों दस्तारा हैं वो दिखाई जाएगियाँ हूँ सरदार गुरदीप सिंह जी जनरल सकत्तर ओ बोले सोन आल सरदार गुरदीप सिंह जनरल सकत्तर आप जी नाल विचार सांझे करनगे। जो पंजो गोबिंद है पर वो आज के काल नानक हर कम गाए है चार सगती दाल। कले आवे नानका सदे उठी जाए जो कम साथ साढ़े पिता रणजीत सिंह जी इस फानी परिवार फट गए हैं। सब ने जाना है जो आया सो फिर से सब रिहाई वारी है। जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान सारा जगत काल समय के अधीन हर काम करन दा ते काम दे मुकम्मल होन दा बड़ा वक्त हुंदा है। खान पीन दे संसार विच विचरन दा मौका बड़ी बार मिलता है पर जीवन नूं सफल करन दा अवसर तां मनुखा शरीर ही है। किरत की प्राप्ति तो जीव पशु जीवन में भी करते हैं पर किसी को कत्ते की प्राप्ति का अवसर हुण मिलिया है। कई प्राप्त मानक दिहरिया गुरु मिलती ये तेरी बढ़िया ये मनुखी दे एक थोड़ी है। सचखंड तक अपड़न का एक साधन है पर मनुख कई बार इस थोड़ी तो खिड़क जाता है
कोई विधा ही इन्होंने घाटिया पूरा करके पूर्व तो पूछता है जिन्हें नाम ध्याया गए सकत कार नानक दे गुजरे खेती छुट्टी साढ़े मान योग बड़े वीर सरदार रणजीत सिंह जी जी अंतम अरदास इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर पहला साढ़े पासों मित्र के चले गए सन। उन्होंने जीवन बारे जो मैं संखेप के शब्दों के बयान करा बहुता समा उन्होंने पिंड टट्टी पाई। अजक बाघा पुराना तहसील के मोगा जिले स्थित है, एक भुग वास्ता पिंड है। हर प्रकार दहूलतों लैस है, दो प्रायमरी स्कूल ने, एक सीनियर सैकेंडरी समार्ट स्कूल, एक शानदार गुरद्वारा, काफ़ी सोहना सुंदर इलाके पिंड वासियों ने ते बाहरों मदद भेजण वाले ने इदा इकट्ठा करके कामयाब करवाया। स्कूल में बहुत सोहनी बिल्डिंग, मैं ये समझता है कि वह कॉन्वेंट स्कूल का भुलेखा पाती है। मैं क्योंकि मैं 25 साल हो गए इतने थोड़े लुधियाने के और आके रैक लगन का 25 साल इस सीनियर सैकेंडरी स्कूल हड्डी पाई पढ़ा रहा। 70 च आया से 95 मैं थोड़े इतने आ गया। साढ़े पास छोटे दो भाई इन्होंने रणजीत सिंह के, दोनों बेचारे लड़के है, बड़े लड़के करनैल सिंह है जेडे कुछ समा पहला ही अकाल चलाना हार्ट अटैक के नाल पर जवान ही समझो उम्र के चलाना करके भावे कि उन्होंने बच्चे ने उस कारोबार को अगे काफ़ी बढ़ाया। दूजे नंबर पर सरदार जरनैल सिंह जी, तीजे नंबर पर सरदार बलदेव सिंह जी, तो चौथे नंबर पर सब तो छोटे सुखदेव सिंह जी। छोटे दोनों साढ़े स्कूल के बड़े प्रतिभावान विद्यार्थी हुए। मेरे छोटे दो बलदेव सिंह सुखदेव सिंह वड्डे लड़के ने नेड़े के स्कूलों में एजुकेशन 10वीं तक 9वीं 10वीं तक प्राप्त की थी। वो छोटी उम्र की इधर नूं सरदार अजीत सिंह जी वगैरह वह इतने हाजरी का हौजरी का उन्होंने काम चालू किया हुआ सी। छोटी उम्र से वड्डे करना इतने ले आए अपने कारोबार के सिखाया उन्होंने कुछ समा पा के उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया। बहुत तरक्की की जरनैल सिंह ने जरनैल सिंह को सद लिया तो जरनैल सिंह ने सुखदेव बलदेव सिंह को सद लिया। बलदेव सिंह ने छोटे वीर सुखे अज चारे बच्चे बच्चे तो नहीं भावे हो तो मेरे बराबर के बच्चे छोटे ही है काफ़ी इन्हों का समाज के बहुत वधिया स्थान है, बहुत काबिल है क्योंकि इन्होंने पिता जी भी काफ़ी मेहनती सन। जमीन जायदाद साढ़े नाल ही खेतों में लगती थी, पता लगता सी भावें कि सातों 15-20 साल वे उम्र के सन पर फिर भी कुछ सांझ सी जमीन जायदाद करके आप वढ़ेरी उम्र हो गई सी। साढ़े भाई रणजीत सिंह होर की 6-7 साल तो बच्चों ने यह महसूस किया कि क्यों ना असी उन्होंने लुधियाने ही लै आईए क्योंकि पिछे साड़ी भरजाई साड़ा भरा उ रह गए सन कि चाहते थे कि बच्चों को पिता से माता इतने ही सैट किया जाए भावें को दूरों नहीं थे चाहते वडेरी उम्र दे रही जिन्होंने सारी उम्र ही पिंड है भी बतीत की हो शहर 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 उन्होंने खेती वापस सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल है, बहुत सोहना स्कूल है। मैं भी क्या मैं भी इंज लगता कि भावें कि मैं उसे 25 साल पढ़ा रहा इन्होंने मैं भी भुलेखा लगता मैं कि वाकई उ है सीनियर सैकेंडरी स्कूल है। मैं हैरान होना
क्योंकि बच्चे ने बहुत मेहनत की थी, सारे पिंड के ही बच्चे है जिन्होंने मेहनत की है और उन्होंने समय समय से असं भी मदद भेजते रहे हैं। और इस परिवार ने भी 51,000 रुपये 50,000 रुपया ये सीनियर स्टडी स्कूल नहीं भेजे है। तो दूजे नंबर पर है हरगोबिंद सारा और वो हरगोबिंद सारा गुरुद्वारे का नाम सुनिया गया साढ़े भाई के जिहड़े आ रामगढ़ीए परिवार से उन्होंने राही रामिंदर सिंह जी सरपंच जिहड़े साढ़े से उन्होंने दस्या कि हरगोबिंद सारा हरगोबिंद साहब इतों के होके गए थे साढ़े पिंड के नेड़े गुरुद्वारा जंगल से किसी समय उन्होंने गुरदाना करके जाया जाता है उत्थे दसते हैं भी उन्होंने आप रैस की उस जंगल उतो होंगे हुए कट्ठी भाई बीज लंघ के मंदिर बनी तो गांह भाई उपे पहुंचे से ब्रह्म ज्ञानी बाबा नामदेव सेव सुसायटी है 2100 रुपये उस वास्ते मदद की है। गुरद्वारा साहब गऊ घाट है उन्होंने वास्ते 2100 रुपये मदद की है। गुरद्वारा सिंह सभा सेकेवाल शहदारी गुरद्वारा ये वास्ते 2100 बाबा नामदेव भवन लुधियाना वास्ते 2100 रुपया गुरुद्वारा साहब वास्ते गुजरा का 2100 रुपया वो वास्ते है। तो ये मदद इन्हों की इन्होंने